नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हमारी सांसें इस देश में कौन चला रहा है, जरा दिमाग पर जोर डालिए। यदि अब भी आपको पता नहीं चला तो हम आपको बता ही देते हैं। हमारी और आपके परिवार की सांसें उन जाबांज और वीर सैनिकों की बदौलत चल रही है, जो इस समय देश की सरहद पर अपने परिवार के लोगों को भूलकर भारी भरकम हथियारों से लबरेज होकर सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं। सबसे पहले तो समाचार एक्सप्रेस ऐसे जाबाज वीरों को सलाम ठोकता है और आज करवा चौथ के पवित्र पर्व पर उनकी सलामती की दुआ करता है। सच्चाई ये है कि जब हमारे जाबाज सैनिक सीमा पर कड़ा पहरा देते हैं, तब हम अपनी सरहदों के अंदर आजादी और चैन की सांस लेते हैं। कुछ वीर सैनिक ऐसे भी होते हैं जो अपनी ड्यूटी अपना धर्म समझकर निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश प्रेमी भी होते हैं जिनके मन में देश के प्रति जज्बा रोम रोम में भरा होता है। ऐसे ही एक जाबाज और वीर सैनिक की एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे ध्यान से देखिएगा और इसे लाइक करके इसे शेयर भी जरूर करिएगा। इस वीर जाबाज का नाम है गुलाब सिंह। देशभक्ति का संदेश फैला रहे गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के कुंजवानी का रहने वाला है, जो इस समय चंडीगढ़ में सेना में तैनात है। वह स्कूटर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। लगभग 45 साल की उम्र में उनके अंदर अजीब चुस्ती फुर्ती है और वो स्कूटर पर कई तरह के कारनामे दिखाने में माहिर हैं। कई बार उन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। गुलाब सिंह ने समाचार एक्सप्रेस को बताया कि वो ऐसे करतब दिखा युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कुछ ताकतें देश के कुछ युवाओं को देशभक्ति के रास्ते से भटकाने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मिटा दिया है वजूद उनका जो भी सेना से भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प हर जवान सरहद पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हजारों कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ है और हम अब इस देश को कभी किसी का गुलाम नहीं बनने देना चाहते हैं। इसलिए वो युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए स्कूटर पर तिरंगे के साथ करतब दिखाते हैं। गुलाब सिंह हर रोज स्कूटर पर कई घंटे अभ्यास करते हैं, तब जाकर वो ऐसे करतब दिखाते हैं। गुलाब सिंह कई बार 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में भी शामिल होकर अपने इन हैरत अंगेज करतबों का लोहा मनवा चुके हैं। यह जाबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देशभक्ति का संदेश तो देता ही है, साथ में वह ड्यूटी के बाद स्कूलों में जाकर बच्चों का मनोरंजन भी करते हैं। फिट रहने के लिए वह शारीरिक व्यायाम को जरूरी मानते हैं। वह अपनी प्रतिभा से पहचाने जाते हैं। वह कभी स्कूटर पर तिरंगा झंडा लिए दोनों हाथ फैलाए खड़े होते हैं तो कभी सलामी देते हुए दिखाई देते हैं। पहले आप देखिए जाबाज गुलाब सिंह के हैरान कर देने वाले करतब कि किस तरह से वह अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ करतब दिखा रहे हैं। और अब आप भी सुनिए जाबाज सैनिक ने युवाओं को क्या संदेश दिया है। जय हिंद, जय भारत। Thank you.
जो इस मॉल के खिलाफ लाभ को दमन जो है प्रेजेंटी के बंद खुश है सबसे पहले मैं सबको जय हिंद बोलता हूं और दूसरा मैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे आज ये सब बोलने का मौका दिया। ये मैंने स्टंट जो है बेंगलोर में सीखा था 2015 में और मैं चलते स्कूटर पर देश का झंडा लहराता हूं और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं चलते स्कूटर पर अपने देश का झंडा लहराता हूँ और मेरा ये एक ही मकसद है कि आजकल की नई युवा पीढ़ी को तिरंगे के साथ जोड़ना। और स्कूटर मैंने इसलिए चुना क्योंकि स्कूटर हमारे भारत की पुरानी शान है, पुरानी परंपरा है। कई लोग तो मोटरसाइकिल पर करते हैं, तरह तरह के मोटरसाइकिल हैं, लेकिन मैंने स्कूटर जो है अपनी भारत की पुरानी शान समझकर ये मैंने स्कूटर चुना। और नई जनरेशन को मेरा आज का यही संदेश जाता है कि सबसे पहले आप नशे से दूर रहें। जितना आप नशे से दूर रहेंगे उतना आपका भविष्य जो है उज्ज्वल होगा। और कुछ बन के दिखाओ जिससे आपका नाम ऊँचा हो, अपने देश का नाम ऊँचा हो और अपने माँ बाप की सेवा करो। और दूसरा एक मैं दो पंक्तियाँ कहता हूँ, मत पूछो मेरा क्या नाम है, मत पूछो मेरा क्या नाम है, मैं तो उस देश का सैनिक हूँ जिसका नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।